एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली, ये अजमेरी गेट पे वाक़ है, कॉलेज है। सामने बहुत आलीशान एक मस्जिद है। हम दाखिल हो रहे हैं। ये मस्जिद लाहौर की जो शाही मस्जिद है उसके तर्ज पर बनी हुई है। इसके गुंबद जैसे ही हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम मस्जिद गाज़ीउद्दीन ख़ान जो तुर्कमान गेट पे है, तुर्कमान ही गेट, अजमेरी गेट पर है, यहाँ पर हमारी हाज़िरी हुई है। ये यहाँ के इमाम साहब हैं। आपका तारुफ? मेरा तारुफ मोहम्मद कासिम कासिमी। अच्छा, पिछले तकरीबन 8 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज आप आए थे तो जी सारी सी बातें आपने रहमान आता और रहमान साहब आसमी दामद बरकात के हवाले से जिक्र की। उन्होंने बड़ा तारीखी काम किया है और मौलाना असलम साहब जो हैं, जो यहाँ के नायब इमाम भी हैं, ये हजरत के ख़ास लोगों में मौलाना आता और रहमान। अच्छा, माशाल्लाह, उनसे मुलाकात का भी हमारा बस यही मुलाकात बस। ये एक इदारा है, बड़ा तारीखी इदारा रहा है, मस्जिद की तारीखी हैसियत है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की ये मस्जिद है। इसके बारे में हमें जो थोड़ी बहुत मालूमात है या कुछ, मौलाना गाज़ीउद्दीन साहब गालिबा जो सिपह सालार हुआ करते थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, उनकी मेहनतों और उनकी काविशों से ये मस्जिद बनी थी। और ये मस्जिद का असल यहाँ था वो वहाँ तक है जो लाल सूख मीनार नज़र आ रही है, लाल मीनार जी, पानी की टंकी ऊपर वाली रखी है जी जी जी। वो इस तरफ पूरा यहाँ था, ऐसे ही यहाँ था, यहाँ तक गया था इस तरफ। ये असल मस्जिद का हिस्सा यही है, बाकी वो हुजरे थे, ये मदरसा भी रहा है। और ये जो आपको पार्क नज़र आ रहा है बीच में, ये इस मस्जिद का हौज था तारीखी। अच्छा, चूँकि ख़त्म अब तो हर जगह से ही हो रहा है, ये काफ़ी पहले ख़त्म हो गया, ये हौज था। ये इसकी मस्जिद जो है इस एतबार से भी तारीख़ी है कि अगर मैं ये कहूँ कि दारुल देवबंद या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इसी की पैदावार है तो ये गलत नहीं है। इसलिए कि इस मदरसे में हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और मदरसा गाज़ीउद्दीन के नाम से मशहूर था। बाद में ये अरबी कॉलेज और फिर एंग्लो अरबिक स्कूल जो आज मौजूद है वो अपनी जगह पर। तो हज़रत नानोत्वी, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दोनों यहाँ पर पढ़ा करते थे। हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बड़े ज़िम्मेदार और अमीर थे, एक मरतबा गुफ्तगू में मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हय्याल सलाह की तरफ जो ऊपर की के कमरे हैं ये दिख रहा हूँ, उनमें ऊपर में किसी कमरे में गालिबन पहले या दूसरे में यहाँ हज़रत ये हिस्सा नहीं, वो उधर का जो हिस्सा है, ये इधर की जो सफ़ेद इमारत है ये एतमादुद्दौला ने मदरसे के लिए बाद में बनवाई थी जी। इनमें से किसी कमरे में गालिबन हज़रत गंगोही और हज़रत नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते थे। हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया था, सही तारीखी एतबार से तो नहीं बता रहा, हज़रत ने जो बताया था जहर खान हज़रत की शख्सियत थी। तो ये यहीं से हज़रत सैयद हज़रत नानोत्वी हज़रत गंगोही पढ़कर निकले पूरी तरीके से और दारुल्लूम की शाख, दारुल्लूम की बुनियाद डाली, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तालीमी और तहरीकी सरगर्मियों को सारे आलम में आज
जगह जगह पर मजबूती के साथ कायम और दायम कर दिया और रखा है। ऐसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी यहीं से बनी, क्योंकि सैयद अहमद ख़ान भी यहीं के पढ़े हुए हैं और उस्तादुल कुल हज़रत मौलाना ममलूक अली साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उस्ताद हुआ करते थे। ये ज़माने के एतबार से बड़ी तारीखी जगह है। मौलाना गाज़ीउद्दीन साहब का मिजाज जो है वो उस तरफ मस्जिद से बाहर के हल्के में वो जो एक कत्थई दीवार नज़र आ रही है उसके अंदर है, अंदर वो सफ़ेद पत्थरों की पुरानी जो जिस तरीके से मज़ारात बनाए जाते थे नीचे मज़ार और ऊपर उसकी हैयत उस तरीके पर है। और बाद लोगों ने भी बताया यहाँ एक गेट है अजमेरी गेट, जी जी वो बंद हो जाया करता था, फसील बंद शहर था ना उसकी वजह से, तो मुसाफिर भी आते थे इस मस्जिद में यहाँ ठहरा करते थे और यहाँ जो चीज़ें लगाई गई थी बागात वगैरह उनसे भी इस्तेफादा किया करते थे। इस एतबार से बड़ा तारीखी मकाम है यह और पूरे आलम में गोया के इसकी फ़ज़ा आज दारुलूम की बरकत से भी और अलीगढ़ की बरकत से भी इसकी फ़ज़ाएँ वहाँ तक पहुँची हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को और इस मस्जिद को आमीन। जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।